हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड हम लोग देख रहे हैं ये सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट ख़त्म किया था और उस पर कुछ लॉ देखे थे, ठीक है, लॉ या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सब हम लोग देखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, किसी रिजल्ट को प्रूव करने में या किसी रिजल्ट को लिखने में। जैसे कोई चीज दे दे और ऑप्शन में पूछे कि ये किसके बराबर होगा, तो हम लोग इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या प्रूफ करने को बोले कोई स्टेटमेंट या सेट थ्योरी से रिलेटेड कोई ऐसे प्रूफ करने को बोले तो इसका हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड से। तो देखो, इसमें पहला जो है वो है, बोलते हैं a माइनस बी, ठीक है, बोला जाए a माइनस बी क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। ध्यान से देखना, a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। हम लोग वेन डायग्राम काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, तो सबसे पहले इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम से। पहले देखो, पहले ये लिख सकते हैं, या अगर ऐसे हो ए माइनस बी है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, या अगर बी माइनस ए है तो इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश। ध्यान से देखना, ए माइनस बी है तो ए इंटरसेक्शन देंगे या बी पे डैश देंगे, बी माइनस ए है तो बी इंटरसेक्शन और ए पे डैश देंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे से वेन डायग्राम को पढ़े हैं तो उसका यूज तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो बताया था पिछले क्लास में कि कैसे प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम का यूज़ करके। बोले थे कि देखो, वेन डायग्राम का यूज़ करके ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो इसका डायग्राम बना लो और इसका डायग्राम बना लो, अब दोनों को देखो, दोनों अगर सेम दिखता हो, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये और ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं ए माइनस बी का डायग्राम। तो a माइनस बी का डायग्राम आप ऑलरेडी जानते हो, या हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट a, और ये हो गया सेट b। सेट a सेट b हमको बनाना है a माइनस बी। तो याद करो, a में से b को हटाना है, यानी कॉमन पार्ट हटा लेना है। तो कॉमन पार्ट हटाने के बाद जो a में बचे वही होगा a माइनस बी, दैट इज ये वाला। ये हो गया क्या, तो ये हो गया a माइनस बी। अब देखो हम बनाते हैं क्या, तो अब बनाते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, देखो RHS वाला, और इसी के जैसा अगर दिखे तो बोल देंगे कि दोनों सेम होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और यहाँ पे बनाते हैं सेट ए, और ये लिए सेट बी, सेट ए सेट बी। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए है ये, और बी डैश बनाओ, बी डैश मतलब बी के बाहर, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम लोग डॉट करेंगे इसको, यहाँ पे बी डैश पहले बना लो, एक तो पता ही है ना, ए ये सारा है। अब बी डैश मतलब बी के बाहर, तो बी के बाहर पूरा हम लेते हैं, तो बी के बाहर ऐसे डॉट डॉट ले लिए, ठीक है, ये बी के बाहर ही लेना है, बी के अंदर नहीं जाना है। तो ये हो गया बी डैश, ये क्या हो गया बी डैश, बी के बाहर पूरा, बी के बाहर मतलब बी को छोड़ के बी के बाहर ये सब हो गया। अब बी के बाहर लिए तो ये हो गया बी डैश। अब बी डैश का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, तो बी डैश का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, मतलब बी डैश ये जो डॉट डॉट दिए हैं वो, और ए में क्या का क्या चीज कॉमन है, तो इसमें मतलब ये बाहर जो डॉट डॉट किए हैं ब्लू से, उसमें और ए में क्या कॉमन है, तो देखो ये वाला पार्ट कॉमन है ना, ये वाला पार्ट कॉमन है ए और बी डैश, बी के बाहर में ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो अब, ठीक है, इसको अब हटा दो ये, क्योंकि हमको क्या करना था, बीडेस बनाए थे, बीडेस तो बनाना था नहीं ना, हमारा मेन काम बीडेस बनाना नहीं था, हमारा मेन काम था
बी डैश का इंटरसेक्शन करना ए के साथ, तो बी डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ ये आ गया। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ए माइनस बी का एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम जो आया है वो सेम आया है, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि फ्रॉम वेन डायग्राम ए माइनस बी, ए ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, देखो वैसे ही आप इसको प्रूफ कर सकते हो बी माइनस ए क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा। ठीक है, तो इसको भी आप प्रूफ आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं, देखो अगर हम बोले ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको मतलब आपको ये याद नहीं है फिर भी आप वेन डायग्राम लिखो और ए माइनस बी देखो और बी देखो, दोनों का यूनियन करो तो देखो क्या होगा। तो ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। तो ए माइनस बी क्या होता है, तो याद करो ए माइनस बी ये वाला पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी हो गया। और इसका यूनियन करना है किसके साथ, तो बी के साथ, तो बी के साथ यूनियन करोगे तो देखो ये बी ले लिए। ठीक है, तो ए माइनस बी पहले ये लिए थे ये वाला, अब ये पूरा ले लिए तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया ए यूनियन बी। दैट इज ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ क्या होगा, तो ये होगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी ऐसे हो जाएगा ये। तो ये हो गया ए माइनस बी यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। इसका भी यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तीसरा, अगर बोले ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो सोचो अभी हम लोग बनाए थे ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या था, तो ये वाला पार्ट था। ठीक है, इसको क्या करें, चलो इसका अलग बनाते हैं। मान लो सेट ए है सेट बी है, सेट ए है सेट बी है, ए माइनस बी मतलब ये और बी, बी देखो बी ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो कॉमन देखेंगे क्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी बोल देंगे फाई। तो ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ जो होगा वो क्या होगा, फाई होगा। तो देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये मतलब इसका आप यूज कर सकते हो, और ये आप डायग्राम बनाओ और देखो कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू फाई होता है, तो आप आसानी से इसका वैल्यू फाई लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कहीं ऐसे रटने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो और देख लो और प्रॉपर्टीज। चौथा, अगर हम बोले इफ ए माइनस बी इक्वल टू ए हो तो क्या होगा उस केस में, तो एक्चुअली इसको हम लोग देखे भी थे, ए माइनस बी का वैल्यू ए हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइव हुआ होगा, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ही ए माइनस बी का वैल्यू पूरा ए हो जाएगा। देखो कुछ भी कॉमन नहीं लिए, ए माइनस बी मतलब इसका कॉमन पार्ट हटा दो, तो कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं हटा, तो कॉमन पार्ट हटाने के बाद जो ए में बचे उसी को ना ए माइनस बी बोलते हैं। तो कॉमन पार्ट हटाने के बाद मतलब कुछ भी हटा ही नहीं, तो ए में क्या बचा, तो पूरा कंप्लीट ए ही बच गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए माइनस बी का वैल्यू ए है, यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इंटरसेक्शन बी फाइल है। अगर फाइल नहीं लेते थोड़ा सा भी ऐसा लेते, ठीक है, तो ये हट जाता, कॉमन पार्ट हटाते तो ये हट जाता, तो उस केस में ए माइनस बी ए नहीं बचता। ठीक है, ए से थोड़ा सा कम बचता। ठीक है, तो लेकिन a माइनस बी तो a है ना, तो उस केस में a इंटरसेक्शन b फाई लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, अगला, अगर बोले कि इफ a सबसेट b, ध्यान से देखना a सबसेट b हो तो हम लोग लिख सकते हैं b डैश सबसेट a डैश। ध्यान देना, a का सारा एलिमेंट b में हो तो बोलेंगे कि b डैश का सारा एलिमेंट a डैश में होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा बोथ साइड से। ठीक है, देख सकते हो ए का सारा एलिमेंट बी में, सोचो ऐसे ये है पटना, ठीक है ये क्या है पटना, और ये वरासा है इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या बोलोगे, पटना का सारा एलिमेंट इंडिया में है, ये बात सत्य है, पटना का सारा एलिमेंट कहाँ पे है, इंडिया में है, मतलब पटना में जो भी चीज़ है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये तो बात सही है। अब हम इसका उल्टा बोले, उल्टा बिना डैश लगाए, मतलब ए सबसेट बी है तो हम ऐसे बोल रहे हैं बी सबसेट ए होगा कि नहीं, मतलब आई सबसेट ए हो, आई सबसेट पी होगा कि नहीं, मतलब पटना का सारा एलिमेंट इंडिया में है,
तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि इंडिया का सारा एलिमेंट पटना में है? एकदम नहीं है, इंडिया का सारा एलिमेंट, मान लो इंडिया में कुछ भी ले लो, ताज होटल मान लो ले लो, तो ताज होटल इंडिया में है, लेकिन ताज होटल क्या पटना में है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंडिया का सारा एलिमेंट पटना में नहीं होगा। बट अगर ऐसे बोले, मतलब ये तो ट्रू नहीं होगा, बट ऐसे हम बोले कि इंडिया डैश आई डैश का सारा एलिमेंट पी डैश में होगा, तो सोचो आई डैश मतलब इंडिया को छोड़ के पूरा, इंडिया को छोड़ के मतलब पूरा, इंडिया को छोड़ के पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटिश, जितना कंट्री है वो सारा। अब पी डैश के मतलब, पी डैश का मतलब पटना को छोड़ के पूरा, पटना को छोड़ के पूरा, पटना को छोड़ के पूरा मतलब वो विदेश भी आ गया और इंडिया का भी कुछ पार्ट आ गया, ठीक है, जो पटना में नहीं है, मतलब पटना को छोड़ के, जैसे दिल्ली, मुंबई, बाकी जितने भी स्टेट है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आईडेस मतलब इंडिया के बाहर का जितना भी एलिमेंट होगा वो पीडेस में होगा, पीडेस मतलब पटना के बाहर होगा, ठीक है। तो ये तो बात सही है, इंडिया के बाहर जितने भी एलिमेंट होगा वो पटना के भी बाहर होगा, ठीक है, देख सकते हो आप। आप मान लो कि कुछ भी ले लो, जैसे आप कुछ भी ले लो, मान लो अमेरिका का व्हाइट हाउस ले लो, ठीक है, जिसमें ट्रम्प रहते हैं, तो क्या बोलोगे? व्हाइट हाउस जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, मतलब व्हाइट हाउस जो है वो आईडेस में है, आईडेस मतलब इंडिया से बाहर, तो व्हाइट हाउस इंडिया के बाहर है, आईडेस व्हाइट हाउस जो है वो आईडेस में है, मतलब इंडिया के बाहर है, तो क्या बोलोगे? आईडेस मतलब व्हाइट हाउस पटना के भी बाहर है, ठीक है, व्हाइट हाउस जो है वो इंडिया के बाहर है, मतलब आईडेस में लाई करता है, तो क्या बोल सकते हो कि व्हाइट हाउस जो है वो पीडेस में भी लाई करता है, मतलब पटना के भी बाहर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा, मतलब पी सबसेट हो आई के, तो उसका उल्टा डायरेक्टली ऐसे ट्रू नहीं होगा, बट उसका उल्टा करो, मतलब आई को इधर पी को इधर लाओ, तो डैश लगा दोगे तो जाके ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। तो आप कहीं पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो ये कि ए सबसेट बी कहीं पे लिखा हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्या कि बी डैश सबसेट ए डैश, या कहीं पे लिखा हो बी डैश सबसेट ए डैश तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ए सबसेट बी, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यूज आप एज ए रिजल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, पांचवा ये है, इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ। अगर हम बोलें कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये सातवां, हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी हो तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। एट नंबर आप लिख सकते हो ये ए माइनस बी यूनियन सी, एक्चुअली हम लोग ये देखे थे डिमॉर्गन्स लॉ में, ए माइनस बी यूनियन सी को आप लिख सकते हो ए माइनस बी, अब देखो ए माइनस बी यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, देखो इधर बदला नहीं है, इधर माइनस रहा बीच में, इधर सिमेट्रिक डिफरेंस बीच में रहा, बट यहाँ पे ए माइनस बी और इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस सी, ठीक है। और नाइन्थ, अगर ऐसे हो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो, यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और ये हो जाएगा ए माइनस सी, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। चलो एक और देख लो, अगर बोला जाए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये एक्चुअली क्या है, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, एंड देखो ये भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, याद करो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था, ये तो उसमें बताया थे दो तरीके से, तो एक ये तरीका था एक ये तरीका था, दैट इज आपको अगर ये कहीं पे गिवन हो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये भी ये इसका भी यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कहीं पे भी। तो देखो आप बोलोगे कि अब इतना सारा लिख दिया, अब इसका प्रूफ, तो
तो आप किसी का भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा मेथड है आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी ले लो आप, इसका तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो कि ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका चलो करके दिखाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ठीक है। ये इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर जो RHS में है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का सिमेट्रिक डिफरेंस, वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों सेम आता है कि नहीं। तो चलो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। ए बी सी ध्यान से ड्रॉ करना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी है, तो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, और उसका इंटरसेक्शन कर देंगे सेट ए के साथ, ठीक है। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी कैसे ड्रॉ होगा, तो याद करो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी मतलब बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। तो इसको हम डॉटेड में ड्रॉ कर रहे हैं, बी माइनस सी और सी माइनस बी का यूनियन, तो ये हो जाएगा, ये हो गया बी माइनस सी, ठीक है। और इसका यूनियन किसके साथ, तो सी माइनस बी के साथ, जो कि ये हो जाएगा। आप याद करो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता था, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए आप क्या करते थे, ऐसे हो तो आप ये ड्रॉ करते थे ना, ये और ये, तो वैसे ही बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी है, तो बी मतलब कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी दोनों, ये कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी दोनों कर देना है। तो यहाँ भी मैं क्या किया, तो कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी दोनों को कलर कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब इसमें, मतलब जो अभी ये ब्लू से कलर किए हैं, इसमें और ए में क्या कॉमन होगा वो देखना है। तो इसमें और ए में क्या कॉमन है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कॉमन पार्ट है ये। अब देखो आप देखो यहां पे ये सब अब कॉमन नहीं आया, ए के साथ कॉमन ये नहीं आया, ये बी सिमेट्रिक डिफरेंस ही था ये वाला सब, लेकिन ए के साथ कॉमन नहीं आया, तो ये सबको हटा देते हैं, ये सबको हटा दिए। तो ये अपना हो गया LHS, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ठीक है, ये रेड से कलर हो गया। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखो दो चीज का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन किसके साथ, ध्यान से देखना, इसका यूनियन किसके साथ, तो इसका यूनियन कर देना है इसका उल्टा, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये ध्यान से देखना क्या कि ये हम लोग करते हैं ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो वैसे ही इसी पैटर्न में देखो, इस दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, तो इतना माइनस इतना, ये दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, तो एक बार ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए किए, तो इस दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी अब माइनस ए इंटरसेक्शन सी किए, एक बार इसका उल्टा, मतलब ए इंटरसेक्शन सी अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब करते हैं कैसे करोगे, तो ड्रॉ करो पहले, वेन डायग्राम क्लियर होना चाहिए, तब कोई भी आप प्रूफ आसानी से कर सकते हो। हम लोग बिना वेन डायग्राम के भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है। चलो ठीक है, ये सब पोंछ हो हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो ये मान लो सेट ए, ये सेट बी एंड ये सेट सी।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी को, मतलब ए इंटरसेक्शन सी ये होता है, ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, दैट इज आपका क्या बच जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो गया ही, ये वाला पार्ट भी गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये पूरा होता है, इसमें से ए इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला पार्ट हम हटा लिए तो सिर्फ ये बचा, इसको अब अच्छे से डार्क कर देते हैं, ये वाला पार्ट हमको बच गया, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और देखो अब क्या करना है, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी ये टोटल जो है ए इंटरसेक्शन सी ये टोटल होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब ये पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है, तो ये चीज हट जाएगा, ये चीज ये कॉमन वाला हट जाएगा, और बचेगा क्या, तो बच जाएगा क्या, तो बचेगा हमको ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। तो दोनों का ये फले बना दिए, तो ये रेड से बना और ये फिर बनाया तो ये ब्लू से बना, दोनों का यूनियन करना है, मतलब ठीक है दोनों ड्रॉ कर दिए, हो गया दोनों का यूनियन। तो देखो इसका और इसका दोनों का डायग्राम सेम बना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी बराबर होगा किसके, तो ए इंटरसेक्शन बी अब बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के यूज से प्रूफ कर लिया है, ठीक है। इसी तरह आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, आप खुद से प्रूफ करके देखना, मैं सब प्रूफ करूंगा तो फिर आप कुछ नहीं सीखोगे, तो आप सब इसको बाकी को प्रूफ करके देखना वेन डायग्राम के यूज करके, ठीक है। जैसे इसको, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बनाना और फिर ये बनाना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग अभी तक जितना देखे वो प्रूफ या जो भी रिजल्ट देखे, जितना भी रिजल्ट का प्रूफ देखे वो वेन डायग्राम मेथड से देखे। लेकिन कभी कभी मान लो 11th का एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वैसे उसका मतलब ज़्यादा ये है नहीं, मतलब मेनली आप फोकस अगर कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम का, तो कंपटीशन एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ये नहीं देखेगा कि आप वेन डायग्राम से प्रूफ किए, वहाँ तो प्रूफ एक्चुअली पूछेगा ही नहीं, आपको रिजल्ट पूछेगा, तो रिजल्ट आप वेन डायग्राम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो कि इन द केस अगर सब्जेक्टिव कहीं पे पूछ दे कि इसको प्रूफ कीजिए एनालिटिकली, मतलब कि बिना वेन डायग्राम का यूज़ करके, ठीक है, किसी का भी प्रूफ करने को बोले, तो कैसे करेंगे उस केस में, ठीक है। तो ध्यान देना, एक दो बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किसी बुक में हो सकता है कि उस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आपको आना वो चाहिए। जैसे यही प्रूफ करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैस, ठीक है, इसी को प्रूफ करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैस, ये प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। हम लोग जो अभी तक प्रॉपर्टीज पर हैं, चाहे हम लोग जो भी बोल सकते हो हम लोग रूल पर हैं, वो सब का यूज करके, तो देखो याद करो हम लोग कुछ वहां पे जो भी ऑपरेशंस ऑन सेट पर रहे थे, वहां पे कुछ रूल पर रहे थे, ठीक है, कुछ नोट लिख रहे थे, तो हम लोग ऐसे लिखे थे कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, अब बीच में और दे सकते हैं, बीच में और देकर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान से देखना, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो तो हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वहीं अगर हो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम लोग लिखे थे वहां पे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये चीज देखे थे, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद से हम लोग देखे थे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में हो तो हम लोग देखे थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और फिर देखे थे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो तो इससे क्या होगा, तो इससे हम लोग देखे थे कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान से देखना दोनों में क्या फर्क है, यूनियन में अगर बिलोंग्स टू हो तो बीच में और देंगे, यूनियन में अगर बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू हो तो बीच में एंड देंगे।
इंटरसेक्शन में बिलोंग्स टू हो तो बीच में एंड देंगे, और इंटरसेक्शन में नॉट बिलोंग्स टू हो तो बीच में और देंगे, ठीक है। ये चारों में ये डिफरेंस है। अब देखो, हम लोग देखे थे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी हो तो क्या करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी हो तो हम लोग लिखे थे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये चीज लिखे थे। मतलब एक्स ए माइनस बी में हो तो एक्स ए में होगा एंड बी में नहीं होगा, ठीक है। ये फिर हम लोग देखे थे एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, या अगर हो x belongs to a dash तो बोलेंगे x not belongs to a, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इतना देखे थे, तो इस सब का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि a माइनस बी बराबर होगा किसके, तो a इंटरसेक्शन b डैश के। तो देखो प्रूफ करते हैं। अच्छा देखो, प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, कोई दो सेट इक्वल कब होता है, जैसे सेट a इक्वल टू सेट b कब होता है, तो ये तब इक्वल होता है जब ए सबसेट हो जाए बी के एंड बी सबसेट हो जाए ए के। ध्यान से देखना, ए सबसेट हो जाए बी के एंड बी सबसेट हो जाए ए के, तो बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो हमको ये दोनों सेट को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ कर देना होगा कि ये सबसेट होगा इसके और ये सबसेट होगा फिर इसके, ठीक है। दोनों तरफ से सबसेट प्रूफ कर देना होगा, ठीक है। और सबसेट के बारे में आप जानते ही हो, ये सेट इसका सबसेट तब होगा जब इसका सारा एलिमेंट इसमें आ जाए, और ये इसका सबसेट तब होगा जब इसका सारा एलिमेंट इसमें आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि a माइनस बी का सारा एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश में होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, देखो x को एलिमेंट हम a माइनस बी में लेकर चल रहे हैं, और इसके हेल्प से प्रूफ कर देंगे क्या कि x a इंटरसेक्शन b डैश में भी होगा। ध्यान से देखना, हम x को ये एलिमेंट इसमें लेकर चले और x इसमें भी प्रूफ कर दें कि x इसमें है तो इसमें भी होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोले हैं कि x को ये एलिमेंट इसमें लेकर चलो और प्रूफ कर दो कि x इसमें भी है, तो x हम अर्बिटरी एलिमेंट लेकर चले हैं, एक कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक अर्बिटरी एलिमेंट लेकर चले, ठीक है। कोई भी एक ऐसे ही, जैसे होता है ना चावल आप बना रहे हो, मान लो कि चावल बना रहे हो, तो उसमें से चेक करना होता है, चेक करना होता है तो क्या करते हो आप, एक कोई दाना उठा के देखते हो एट रैंडम, ठीक है। और वो अगर सीज गया होता है, मतलब अच्छे से पक गया होता है, तो क्या करते हो, समझ जाते हो कि सारा चावल पक गया होगा। ऐसा नहीं ना, सारा चावल को एक एक करके चेक करते हो कि ये पका कि नहीं, तो वैसे ही इसमें से हम क्या करेंगे, तो एट रैंडम को एक एलिमेंट एक्स लेकर चलेंगे कि एक्स ए माइनस बी में है, और इसके हेल्प से अगर हमको मिल जाएगा कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि इसका सारा एलिमेंट एक लेकर चेक किए, एक इसमें लेकर चेक किए तो इसमें भी आ गया, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, ठीक है। तो वही काम करने जा रहे हैं, तो लिए क्या एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, इसको क्या बोल सकते हो, x belongs to a माइनस बी लिए तो इसको ये वाला प्रॉपर्टीज लगाओ, x a माइनस बी में लिए तो x a में होगा एंड x b में नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे x belongs to a माइनस बी, तो इससे हम लोग लिखेंगे x belongs to a एंड x not belongs to b। ध्यान से देखो ये चीज, x belongs to a एंड x not belongs to b। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, बोल रहा है कि x belongs to a and x not belongs to b, तो x belongs to a को वैसे ही रहने दो, एंड देखो x b में बोल रहा है कि नहीं है, तो x b में नहीं है तो x b dash में होगा, ये वाला x b में नहीं है, देखो x not belongs to a तो क्या बोलते हो, x belongs to a dash, ठीक है। दोनों तरफ से लगा हुआ एरो, मतलब x belongs to a dash हो तो आप ले सकते हो x not belongs to a, कहीं पे लिखा हो कि x a में नहीं है तो आप ले सकते हो कि x a डैश में होगा, तो यहां पे बोल रहा है कि x not belongs to b, मतलब x b में नहीं है, तो क्या बोलोगे कि x belongs to b डैश होगा, x b में नहीं है तो x b डैश में होगा। अब देखो x belongs to a एंड x belongs to b डैश आ गया, आप इसके हेल्प से ये लिख दिए, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए, तो x not belongs to b implies x belongs to b dash, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों तरफ से होता है, ज़्यादा गंदा हो गया, मान लो ये दोनों तरफ से, ठीक है, लो बना देते हैं,
ये क्या लिखा गया है, एक्स बिलोंग एक नॉट बिलोंग टू बी डैश इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। ये अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या लिए थे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो तो आप बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन अगर कहीं पे ये चीज लिखा गया हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप उसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी हो तो आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, तो आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि बी के जगह पे क्या है, बी डैश है। तो देखो एक्स ए माइनस बी में लेकर चले और एक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ गया, तो बोलेंगे कि ए माइनस बी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूफ हो गया, इसको मान लो फर्स्ट, मतलब एक तरफ से प्रूफ हो गया ए सबसेट हो गया बी का, लेकिन हमको तो प्रूफ करना है दोनों साइड इक्वल ना, तो दोनों साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको ये बात भी प्रूफ करना पड़ेगा कि बी सबसेट ए होगा। तो बी सबसेट ए होगा ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो फिर मान के चलो कि लेट, इस बार इसमें लेकर चलो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश ये मान के चलो, और इसके हेल्प से ला दो कि एक्स ए माइनस बी में भी होगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका सबसेट होगा, मतलब दोनों तरफ से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से प्रूफ हो गया तो दोनों इक्वल बोल देंगे। तो करते हैं, अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सेम इसका उल्टा काम अब करते जाना है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में है तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, सॉरी बी डैश, बी डैश, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं, देखो ये एक्स ए इंटरसेक्शन बी में हो तो बोलते हो ना एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बीच में लगाते हो एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे क्या है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बीच में लगाओगे एंड बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब देखो अब प्रॉपर्टीज लगाओ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड को रहने दो, और देखो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश है, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश है, तो क्या बोलोगे कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। ध्यान से देखो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है तो बोले है ना कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, एक्स अगर ए डैश में है तो एक्स ए में नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, मतलब एक्स बी डैश में है तो बोलेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब ध्यान से देखो ये डिफरेंस वाले को कि एक्स अगर ए माइनस बी में हो तो एक्स ए में होता है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होता है, तो अगर ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन कहीं पे ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी हो तो लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो वही चीज़ है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो देखो क्या हुआ इस बार, इस बार हुआ एक्स आप लेकर चले ए इंटरसेक्शन बी डैश में और आ गया एक्स ए माइनस बी में, तो हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वो सबसेट होगा किसका, तो ए माइनस बी का। ये ले लिए दूसरा, तो देखो पहला एंड दूसरा लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, तो देखो ये सबसेट है इसका पहला में और दूसरा में, ये सबसेट है इसका, देखो ये सबसेट है इसका, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग दोनों सब दोनों सेट को इक्वल मान लेंगे, दैट इज बोलेंगे ए माइनस बी इक्वल होगा किसके, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। बहुत जगह यूज होगा, डायरेक्टली यूज होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये एनालिटिकल मेथड से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए, ठीक है, ये सब ये इसका यूज करके। अच्छा इतना सब लिखे ही हैं तो एक और क्यों ना प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से सीख जाओ, तो एक और प्रूफ कर लेते हैं, कोई भी एक उठा लो, ठीक है। प्रूफ दैट, तो एक और लेते हैं, प्रूफ दैट ए माइनस
बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो देख लो कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही एक बार इसको लेकर चलेंगे, मतलब एक्स इसमें लेकर चलेंगे और इसमें ला देंगे एक्स, और फिर उसको उल्टा, ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो मान के चलना लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एक्स इसमें मान के चल रहे हैं। तो अब याद करो एक्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में है, तो याद करो ये वाला एक्स ए माइनस बी में है तो क्या बोलते हैं कि एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा। तो एक्स ए माइनस इतना में है तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ये बी माइनस सी, ठीक है। एक्स ए में होगा एंड एक्स बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है ना, बी इंटरसेक्शन सी ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो देखो क्या बोल दिए, एक्स इतना में है तो एक्स ए में होगा एंड बी इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा। अब क्या करोगे, तो बोलो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड को एंड ही रखो, और देखो बोल रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं हो तो बीच में और देते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो लिखा है ना एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, अब इसमें और दिए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वैसे ही ए बी के जगह पे वहाँ बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, यानी बोलेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और बीच में और देंगे और बोलेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एंड और यहाँ पे और, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, अब बीच में लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड एक्स बिलोंग्स टू, गलत हो गया, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या था, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो बोलेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू और फिर बीच में और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से देखो क्या किए, तो सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी था, तो बोले एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, इसको वैसे ही रहने दिए, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है तो बोलेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसके साथ लेंगे, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और बीच में लगा देंगे और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड लेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी के साथ। अब ध्यान से देखो ये क्या हुआ, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, अब बीच में क्या है और फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और बीच में है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और के जगह पे यूनियन ए माइनस सी। तो देखो क्या आ गया, हम लोग ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में लेकर चले और आ गया ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी में, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ये हो गया पहला। अब क्या करना है, तो अब उल्टा लेकर चलो, इसमें लेकर चलो और इसमें प्रूफ कर दो। तो यहां पे लेकर चलो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है, इसमें लेकर चले तो क्या होगा, यूनियन है, देखो यूनियन है तो बोलेंगे एक्स इतना और इतना यूनियन इतना में है तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। फिर क्या बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी तो बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी है, तो बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ भी है, तो आप एक्स बिलोंग्स टू ए को बाहर करो और बीच में देखो, बीच में यहाँ पे दोनों जगह एंड है, तो यहाँ पे एंड लगाओ और ब्रैकेट में लिखो क्या, तो एक्स बिलोंग एक्स नॉट बिलोंग टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ये फिर क्या है, तो फिर है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अब देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो उल्टा कर उल्टा सोचो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए अब बीच में और लगा है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो देखो बीच में और लगा है और नॉट है, तो क्या बोलोगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, वही बीच में एंड लगा रहता तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखते, लेकिन दोनों में नॉट है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू है, अब बीच में और लगा है, तो लिखेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये लिख देंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए है और है एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो लिख देंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है, तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया हमको x belongs to A एंड देखो A में है, इसमें नहीं है, तो बोलेंगे A माइनस बी इंटरसेक्शन C में होगा, तो देखो क्या किए, इसमें ले इसमें लेकर चले और इसमें आ गया, तो बोलेंगे क्या कि A माइनस बी यूनियन A माइनस सी बराबर होगा किसके, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन सॉरी सबसेट होगा, अभी सबसेट लिखो, सबसेट A माइनस बी इंटरसेक्शन C के, तो ये हो गया दूसरा। और पहला एंड दूसरा से क्या बोलोगे, पहला क्या बोल रहा है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें और दूसरा बोल रहा है कि इसका उल्टा, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें, तो दोनों के हेल्प से, मतलब बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा किसके, तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के, ठीक है, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से वीडियो को देखो, ठीक है, और फिर नहीं होगा तो वेन डायग्राम तो है ही, वेन डायग्राम अपना देख लो, ठीक है, इसमें मतलब दो चार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, अब अपने से कुछ क्वेश्चन कर लेना, मतलब इधर जितना प्रूफ करने को था, मतलब इधर जितना प्रॉपर्टीज था सबको आप प्रूफ कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इधर था ना ये सब, ये जैसे ये सब है तो ये सब को आप प्रूफ कर सकते हो उस मेथड से, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, ठीक है, तो ये सब को प्रूफ आप कर सकते हो, आप करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी ये सब है इसको प्रूफ करके देखना, अगर प्रूफ होता है तो ठीक है, नहीं तो वेन डायग्राम तो ठीक ही है, ठीक है, उससे बहुत सारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सब जितना हम लोग पढ़े ये सब कंसेप्ट पे। तो चलिए क्वेश्चन है ये, बोला है कि लेट ए एंड बी वी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू बताना है, ए डैश होगा या ए होगा या बी डैश होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो देखो क्या होता, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश, अब बी इंटरसेक्शन ए डैश को बी माइनस ए लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिखे थे ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो उसको ए माइनस बी लिखेंगे, अब बी इंटरसेक्शन ए डैश है तो इसको लिखेंगे बी माइनस ए, या कहीं पे बी माइनस ए लिखा है तो उसको बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो B इंटरसेक्शन A डैश को क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं इसको ऐसे, ये है A यूनियन B का डैश और यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश, लो पहले लिख देते हैं, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये लिखो A यूनियन B का होल डैश यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश मतलब B माइनस A, ठीक है, तो B माइनस A ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, मतलब इसका डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा।
तो हम तो प्रेफर करेंगे यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से ही, और आप भी प्रेफर करो डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाओ, और कोई भी क्वेश्चन को प्रयास करो कि डायग्राम के हेल्प से ही आगे बढ़े हम, ठीक है। तो डायग्राम के हेल्प से आगे बढ़ेंगे कैसे, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इसका डायग्राम बना दो, और इसका डायग्राम इसमें से ए डैश के डायग्राम के जैसा आ जाए तो बोल देना इसका वैल्यू ए डैश के बराबर आ जाएगा, ए के डायग्राम के जैसा आ जाए तो बोल देना इसका वैल्यू ए होगा, या बी डैश आ जाए तो जैसा है वैसे ही आप बोल देना। तो इसको बनाओ क्या होगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए सेट बी, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी के बाहर, मतलब ये सारा, ठीक है, ये पूरा, यहां पे मैं डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़े तो मैं मिटा सकूं, ठीक है, लेकिन यूनियन है तो मिटाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो ये हो गया ए यूनियन बी डैश, ये जितना डॉटेड ए यूनियन बी के बाहर ले लिए। अब क्या करना है, तो बी माइनस ए बनाना है, तो याद करो बी माइनस ए क्या होता है, तो बी में से ए को हटा दो, दैट इज ये कॉमन पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा ये हो गया बी माइनस ए। इसका यूनियन लेना है किसके साथ, तो ये डॉटेड के साथ, तो पूरा ये भी बना ही दो, ठीक है, डॉटेड के साथ यूनियन लेना था तो इसको भी पूरा बना दिए, तो ये आ गया किसका डायग्राम, तो ये आ गया ए यूनियन बी डैश अ यूनियन बी माइनस ए आ गया। तो ध्यान से देखो ये डायग्राम किसका डायग्राम है, इसको आप बोल सकते हो ए डैश, क्योंकि ए के बाहर, देखो ए के बाहर पूरा ये डार्क है, ठीक है, तो ए के बाहर के पूरा कलर किया गया है, तो बोल देंगे ये ए डैश है एक्चुअल में, तो हम लोग बोल देंगे इसका वैल्यू क्या होगा, ए डैश के बराबर। तो देखो बिना कुछ किए सिर्फ डायग्राम बना के हम लोग बता दिए कि ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश इज क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लेके चलते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से देखो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि वेन डायग्राम से ही बनाएं, ठीक है। वैसे बिना वेन डायग्राम के भी सोच सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से ज़्यादा मतलब दिखेगा पूरा आँख के सामने, ठीक है। तो देखो ये बन गया यूनिवर्सल सेट, दो सेट है तो सेट ए और सेट बी बना दिए, सेट ए और सेट बी। बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स देन, हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश का मतलब होगा ए यूनियन बी के बाहर, तो ए यूनियन बी के बाहर कौन सा होगा, तो ए यूनियन बी के बाहर ये हो जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी के बाहर ये सारा, ठीक है। हमको ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी के बाहर ले लिए ये ब्लू वाला, अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। अब देखो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो ये जो है ये बाहर वाला एलिमेंट है, और इसमें मतलब ये ब्लू वाला जो दिख रहा है इसमें, और सेट ए में, इसमें देखो क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, सेट ए में और ये बाहर जो ब्लू से हम डार्क किए हैं इसमें क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए इसका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो ये हम बाहर ब्लू जो ड्रॉ किए हैं वो क्या है, वो है ये ए यूनियन बी का डैश, एंड यहाँ पे क्या है, एंड इसका ए यूनियन बी का डैश का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ, ए मतलब सेट ए, ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये रेड वाला और ये ब्लू वाला में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो हम लोग बिना कुछ किए, बिना एक लाइन लिखे, हम लोग सिर्फ एक वेन डायग्राम बनाए और उसके हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू लिख दिए, कितना, फाई। तो इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। और देखो एग्जामिनेशन जो भी जितना भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें तो ये नहीं पूछेगा ना कि आप वेन डायग्राम मेथड से बनाए, या मतलब कि जो
जो रेगुलर मेथड है, मतलब कि वो एक्स बिलोंग्स टू लेकर किए थे, ठीक है, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है, वो एक्चुअली प्रूफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए करते हैं, तो वो तो बोर्ड में ही काम आता है, तो बोर्ड आपका जो है वो 11th का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप वेन डायग्राम को याद रखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा और वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वेन डायग्राम से ये देख लिए, तो ये सब है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे असाइनमेंट एक आज दे दूँगा जिसको आप बनाना, मैं असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आप अगर वीडियोस को एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मैं उसको मतलब ऐप में ही उसको डाल दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो, आप वीडियो को पॉज करके भी असाइनमेंट बना सकते हो। चलो तो ये रहा असाइनमेंट, आप वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बनाते जाओ। क्लास 12th नहीं 11th, चलो कोई नहीं, तो ये हो गया, वीडियो को पॉज करते जाओ और आप इसको बनाते जाओ। फिर इधर ऑपरेशंस ऑफ सेट से ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके बनाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, ये फिर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो ये अभी मैं नहीं बताऊँ, ये अगले की अगले क्लास में होगा, ठीक है, तब हम लोग, तब आप इसको बनाना, ठीक है, तो ये भी, फिर उसके बाद से इस पे एडवांस प्रॉब्लम, फिर इसके बाद से ये लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट, ये हो गया है, ठीक है, तो ये असाइनमेंट में पहले वो दे दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको बना लो पहले, इसको आप बना लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं हुआ तो उसके बाद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जो है उसके बाद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके बाद होगा, और ये रहा इसका आंसर की, ठीक है, तो आप बनाना और आंसर मिलाना, और जो भी प्रॉब्लम आपको डाउट में होगा वो आप डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है, तो ये रहा पूरा आज का असाइनमेंट। तो हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर देखेंगे अगले क्लास में, हम लोग अगले मतलब लेक्चर में, जो भी है, जो भी क्लास बोलो लेक्चर बोलो सब एक ही है, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मतलब इसके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, और क्वेश्चन क्वेश्चन में डाउट होगा अगर आप पूछोगे तो उसको मैं देखूंगा, ठीक है, तो ठीक है, इसको बनाओ और फिर बना के अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, मतलब इसी चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, और ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।